अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हम बात करेंगे नाश्ते की। नाश्ता जो कि हमारे दिन भर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, तो इसके लिए आज हम बनाने वाले हैं नमकीन मखनी पराठा। इसके लिए हमने लिया है 2 कप गंदम का आटा, 1 गिलास सादा पानी, नमक हस्बे ज़ायका और घर का बना हुआ खालिस और ताज़ा मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे में 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। दो खाने के चम्मच मक्खन भी शामिल करेंगे। मक्खन को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटे को मल लेते हैं। आटे की हमने डो तैयार कर ली है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढांप के रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटे के पेड़े बनाते हैं। अब इन पेड़ों को बेल के इनकी रोटियां बनाएंगे। रोटी को हमने बना लिया है। हम इसमें मक्खन लगाएंगे और उस पर खुश्क आटा थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। ऐसा करने से पराठे की लेयर बहुत अच्छी सी बनेगी। अब इसका दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। पराठे में 3 पराठे बने हैं। इनको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में इसलिए रखेंगे, खालिस मक्खन बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसका पराठा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम पेड़े बना के इनको फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो पराठा बहुत अच्छा बनेगा। मिनट हो चुके हैं। अब हम इनके पराठे बनाएंगे। हमने पराठे को हाथ से बनाया है, बेलन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अब इसको पकाते हैं। नमकीन मक्खनी पराठा तैयार है। पराठे बनाइए और इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।